का दिन शहरवासियों व देशवासियों के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। अनेकों शहीदों के बलिदानों के बाद ये मौका हमें देखने को मिला है, देश को आज़ादी मिली है। इसी कड़ी में हम आगे पूरे विश्व में, चूँकि एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जो कि एकता और अखंडता के लिए जाना माना जाता है, इसी एकता और अखंडता को देखने के लिए हम शहर के मध्य क्षेत्र पचकुइया स्थान पर आ पहुँचे हैं। पचकुइया में एक जाना मानी संस्थान है, परमानंद संस्थान ही नहीं अपितु एक परिवार भी है। आइए इस परिवार की ओर चलते हैं और इस परिवार की एकता, अखंडता और देश प्रेम के बारे में जानते हैं। ये देश है वीर जवानों का, बिल्लों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। आपने देखा दर्शकों, नन्हे मुन्ने बच्चों का डांस, अब आइए उनके बीच चलते हैं और देश के बारे में कुछ जानते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों से। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तीन। कौन कौन से रंग होते हैं? नारंगी, सफेद, हरा और अशोक चक्र में 24 डंडे होती है। और अपना राष्ट्रीय गान, अपन जब तिरंगा फहराते हैं तो अपन कौन सा गीत गाते हैं? जनगण मन गाते हैं। आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ और देश की रक्षा करने के लिए। राष्ट्रगान क्या है हमारा? राष्ट्रगान जनगण मन। आज आपकी संस्था में क्या मनाया जा रहा है? 15 अगस्त। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं हम? हमारा देश आज़ाद हुआ था। जो तिरंगा रहता है, तिरंगे में अशोक चक्र रहता है, उसमें कितनी तिल्लियाँ रहती है? 24। 24 तिल्लियों का महत्व आप बताएंगे? 24 तिल्लियों का महत्व है कि मनुष्य के शरीर में 24 गुण है। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? शिक्षक। आपने देखा प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का एक देश प्रेम से भरा, देश एकता से भरा सुंदर सा नृत्य। इसी कड़ी में आगे बनी रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर अमन मिश्रा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।